This movie uncoded by Patchy 87. दो हजार साल पहले एक बेहद मक्कार जादूगर नगरूल, जिसे मासूमियत को तबाह करने और दूर दूर तक मायूसी फैलाने में महारत हासिल थी, आखिरकार अपनी आखिरी सांसें गिनने के करीब आ पहुंचा। हर जिंदा चीज से नफरत की आग में जलने वाला नगरूल अपनी आत्मा पहले ही नरक के शैतान राक्षसों को बेच चुका था, ताकि मरने के बाद कम से कम उसकी गंदी काली आत्मा तो बची रहे। एक दर्दनाक कर्मकांड में नगरूल की चमड़ी को पन्नों में बदल दिया गया, उसकी हड्डियों को पीसकर जिल्द बनाया गया और उसके गंदे खून को स्याही बनाकर अब तक की सबसे शैतानी किताब लिखी गई। इसे देखने वाला हर इंसान पागल हो गया और इसमें मौजूद मक्कार इल्म ने उसे ऐसा डसा कि वो चाहे अनचाहे शैतानी रास्तों पर उतर आया। नगरूल को मारने वाले इंसानी खून और बेचैन आहों से उसके काले ख्वाब में रंग भरते चले गए। जमीन के नीचे दबी गंदी और नाजायज चीजें हर गंदे बिल और छेद में से बाहर निकल आईं और बर्बादी का गंदा खेल खेलने लगी। कारकोथ के शहर और रियासतें इस बुराई के बुखार में तपती रही, पर तभी अचानक जाबाज लड़ाकों का एक दल पैदा हुआ। खुद को नए सूरज के योद्धा कहकर पुकारते थे और इस मरती हुई जमीन में नई उम्मीद जगाने की कसम खाकर जीते थे। उनके दिलों में भरी सच्चाई इतनी मजबूत थी कि रोशनी के देवता पेलोर ने खुद इन लड़ाकों को बेपनाह ताकत से भरे रक्षा कवच दिए थे, जिनसे इन्हें उसकी रूहानी ताकत मिला करती थी। ये नए सूरज के योद्धा उस काली छाया को दूर भगाने लगे जिसने इस जमीन को 1200 सालों तक एक गंदे अंधेरे से ढक दिया था। ये कुछ लोगों को लुभा नहीं पाए। नगरूल के कुछ खास चेलों ने उस किताब को तीन हिस्सों में अलग करके तीन लालची आत्माओं को रिश्वत देकर उन हिस्सों को छुपा दिया, ताकि बाद में उन्हें एक साथ जोड़ा जा सके। बरसों तक अमन कायम रहा और धीरे धीरे
उन योद्धाओं की यादें धुंधली पड़ती गईं। लोगों ने नगरुल को भी भुला दिया और बेलौर के रखवालों को भी। नए सूरज के वो योद्धा एक गलत फहमी पाले बैठे थे कि अब वो गंदे अंधेरे की किताब दोबारा कभी नहीं जुड़ पाएगी। बेलौर, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपके लिए हमारी सेवा शपथ को फिर से याद करने के लिए और एक और भली आत्मा को हमारे बीच में शामिल करने के लिए। कहते हो कि महान बेलौर की सेवा में तुम पूरा जीवन सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे। जी। वचन दो कि तुम दुनिया भर के सारे ऐशो आराम त्याग दोगे। जी हाँ। कमजोरों की रक्षा करोगे और मक्कारों पर कोई रहम नहीं करोगे। हाँ। और सबसे अहम बात ग्रेसन, जब सारी की सारी रोशनियां बुझ जाएं, तब उम्मीद के अकेले दिए बनकर जलते रहोगे। तुम कभी भी किसी से भी हार नहीं मानोगे। अंधेरा कभी नहीं जीतेगा जब तक मेरे अंदर रोशनी जिंदा है। बेलौर के आशीष लेने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाओ। तुम्हें वापस चलना होगा। इस रस्म के लिए बाकियों ने तुम्हारे लिए सोना इकट्ठा किया है। तुम दुखी हो क्योंकि मूर्ति ने तुम्हें पहचाना नहीं ना? मैंने सोचा था मैं उसे जगा पाऊंगा। ठीक ऐसा ही पिछले 800 सालों से हमारे दूसरे योद्धा भी सोच चुके हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन मैंने आपको निराश किया। तो क्या हुआ, तुम फिर भी एक योद्धा हो। एक योद्धा? यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा लोगों की आत्मा तो आम इंसानों जैसी है, नेक होना तो दूर की बात। सब हम पे हंसते हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में सुना है। हम ये पहनते ही क्यों हैं? आखिर इससे होता क्या है? ऐसा लग रहा है तुम इस बात से नाराज हो कि इतने सालों से अमन कैसे कायम रहा। ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें लगा था यहाँ बचपन के किस्सों की तरह सब कुछ घटेगा? बेलौर की शक्ति सीधा मूर्ति से तुम्हारे अंदर आने लगेगी। हाँ, और क्या, मैं 800 साल में नए सूरज का पहला सच्चा योद्धा साबित होता। हाँ, पर तुम्हें पता था कि ऐसा घट सकता। पर मेरे साथ नहीं। मुझे लगा मैं बाकियों से अलग हूं। मेरे भी बिल्कुल ऐसे ही ख्याल थे जब मैं तुम्हारी उम्र का था। ठीक यही लफ्ज मैंने भी अपने पिता से कहे थे और जो उन्होंने मुझसे कहा वो उनके पिता ने उनसे कहा था और अब मैं तुमसे कहूंगा कि अगर योद्धा बनना चाहते हो तो ठीक उन योद्धाओं जैसी सोच रखो।
मरते दम तक। आपके सबसे वफादार और नेक योद्धा को बारबेरियन उठाकर ले गए हैं। चल ऐश पूरी हो गई ना, अब पैसे चुका। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, चल पैसे निकाल। हाँ देते हैं। नहीं मैंने। अरे बड़ा मजा आ गया। बड़ी कमाल। आ जाओ। शर्माओ मत, दरवाजा बंद कर दो, वहां चले जाओ और अपने कपड़े उतार दो। मुझे बस बात करनी है। पैसे तुम्हारे हैं? क्या बात करनी है तुम्हें? ये बारबेरियन अभी जो बाहर थे ऐसे, और कितने हैं यहाँ पर, इनके बारे में और कोई जानकारी? क्यों जानना चाहते हो इनके बारे में? वो मेरे पिता को ले गए हैं और मुझे उन्हें ढूंढना है। मैं तुम्हारी मदद करके अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? मैं तुम्हें असली सोना दूंगा। अब ये मेरे लिए सिर्फ एक पत्थर है। मेरा भाई भी नए सूरज का एक योद्धा था, वो भूखमरी की वजह से मारा गया। तुम मदद करोगी? वो बारबेरियन किसी खास कैदी की बातें कर रहे थे। क्या? क्या? कुछ अंदाजा है वो कहाँ गए? मैं नहीं जानती, पर ऐसे लोग हैं जिन्हें काफी कुछ पता है। तुम्हें अपने पिता को छुड़ाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। चलो, मेरा दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। कैसे हो टैम्बोर? कैसी हो कार्लोटा? नया दोस्त? सारे नए होते हैं। हथियारों के खजाने में तुम्हारा स्वागत है। आज ही मैं ये दुकान बंद कर रहा हूँ, कोई मोल तोल नहीं होगा। क्या चाहिए ये बताओ। वो दिव्य अंगूठी दे दो, सामान रखने के लिए बस्ता, खुखार तलवार,
और साथ ही ये कवच भी। अभ्यास करना है या लड़ना है? मुझे लड़ना है। और इन सब की कीमत कौन चुकाएगा? कार्लोटा, ये गिनोगी? तुम्हें इतना सोना कहाँ से मिला? योद्धाओं ने मेरे लिए जमा किया। किस्मत तुम पर मेहरबान है। मेरे ख्याल से तुम्हें ये खतरनाक तलवार आजमानी चाहिए। इस तलवार को खून बहुत पसंद है। इसका लोहा अभी भी गर्म है, छू के देख लो। और एक जहर की शीशी। मैं हथियारा नहीं हूं कार्लोटा। सबसे खतरनाक जहर, जहरीला जहर। ये तुम्हारे लिए है, अगर वो तुम्हें ज्यादा तकलीफ दे तो। इसी मैखाने में शादरकाई कबीले की डायन खुंखार कातिलों को जमा कर रही है। वो और जो बार्बिडिन तुम्हारे पिता को ले गए, उन सबका एक ही आका है जिसका नाम है लॉर्ड शैत्रैक्स। शैत्रैक्स? वो कोई पुरानी चीजों के हिस्से ढूंढ रहे हैं। हो सके तो उनके साथ शामिल हो जाओ, उनका भरोसा जीतो। किस्मत ने साथ दिया तो तुम अपने पिता को ढूंढ लोगे। ग्रेसन, तुम्हारा पीछा ऐसी शैतानी चीजें करेंगी जिनका सामना ये तलवार नहीं कर सकती। मेरे दिल की सच्चाई कोई बाजारू चीज नहीं, जो इतनी आसानी से कहीं पर भी बिक जाए। हर चीज की कीमत होती है। मैं अपनी जान दे दूंगा। कहना बहुत आसान है। मैंने आज तक जो भी किया है वो आसान रहा है। पिता है वो मेरे। इसे छुपा दो। तुम रख लो। नहीं, इससे मेरे भाई का बदला जरूर लेना और इसे छिपा के रखो। अगर उसने इसे देख लिया ना तो समझो तुम्हारी गर्दन गई। यहां आओ। हौसला रखना। चलता हूं। एल देना, वो भी थोड़ी सी। हम जंगल से होकर इस गुफा तक जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या हम लोग अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे? क्या होगा अगर रास्ते में तुम्हारे साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना घट जाए तो? अगर तुम्हें सिंह का पता बता दूंगी तो तुम्हें उससे चुराने से कौन रोक सकेगा? मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरता। हथियारों की जुबान की भी कोई कीमत होती है क्या? जाहिलों की बातों पे ज्यादा गौर नहीं करता मैं। तुम सारे के सारे गलत फहमी मत रखना। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सामने बैठा है। तुम्हारा बेड़ा मैं ही पार कराऊंगी। तुम शायद मजबूत हार्ड ढूंढ रही हो। ये है मजबूत हाथ। ऊपर बहुत सारे निकम्मे हैं तुम्हारे ही जैसे, वहां ज्यादा अच्छे लगोगे। ये क्या बदतमीजी है?
उस कुर्सी से उठ जाओ, वो मेरी है। अगर तुम में जरा सी भी अकल है तो इतना पता ही होगा कि इस जगह बैठने वाला कुर्सी के मालिक की परवाह नहीं करता। खौफ सबसे कमाल का हथियार है। क्या तुम खौफ पैदा कर सकते हो? वर्मन लॉर्ड सही है, यहां बैठने के लिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा। यहां किसी को भी चुनो और बिना सोचे समझे मार दो। अगर कामयाब हुए तो तुम हमारे साथ हो। तुम जानते नहीं तुम किन लोगों के बीच हो। हमारे साथ शामिल होने की तुम में कोई खूबी नजर नहीं आती। जानते भी हो हम क्या ढूंढ रहे हैं। मुझे सिर्फ इनाम से मतलब है और मेरे हिस्से से। इनाम है 5,000 सोने के टुकड़े और उस खजाने का 1/12 हिस्सा जो हम रास्ते में लूटेंगे। 1/12 क्यों? यहाँ तो सिर्फ 6 ही है। तुम इस काम में बच्चे हो। तुम्हारी जरूरत के हिसाब से मैं काफी हूँ। माफी चाहूंगा। तो शुरू हो जाओ। इसे मैं रख लेता हूं। एक 1/5 हिस्सा कैसा रहेगा? तुम मेरे नक्शे पर खून गिरा रहे हो। हाँ महान शात्राक्स, हम निकल चुके हैं और हम 5 हैं। इस बारे में सोचना भी मत। किस बारे में सोचना? हमारे कबीले की औरतों का दिल जीतने के लिए खुद को साबित तो करो। मेरा दिल इतना मामूली नहीं। तुम्हारी कब्र पे छाप दूंगा उसका नाम। तुम्हारे लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। मैं दोनों हाथों से अच्छी नक्काशी करता हूँ। तुम्हें नमूना दिखाऊं? देखना चाहते हो? इसे अकेला छोड़ दो। ड्रैगन! ड्रैगन को सोते हुए पकड़ना चाहती थी। जो हमें चाहिए वो अभी गुफा में है। उसे थोड़ा खा पी लेने दो। वो 5 कैदी पकड़ चुका है। मेरा तजुर्बा कहता है कि इतना बड़ा ड्रैगन एक इंसान को खाने में 1 घंटा लगाएगा। यानी 5 घंटे? नहीं, 4.5। क्या? कैदियों में एक छोटा बच्चा है। ठीक है, फिर 4.5 घंटे। उन्हें खाने के बाद ड्रैगन सो जाएगा। नहीं, हम अभी हमला क्यों नहीं करते इससे पहले कि वो किसी को खाए और ताकतवर बन जाए। जुबान तभी खोलो जब तुमसे पूछा जाए। खड़े हो जाओ बच्चे। अक्सर जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं।
बस जरा देखो तो, ड्रैगन अभी सो रहा है क्या? एक और लाश और ड्रैगन सो रहा है। वो लड़का कहाँ गया? वहाँ नीचे। उस लड़के ने ही हमें ये जीत दिलाई है। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कई बार बिना सोचे समझे बोलने से हमारी बेवकूफी सामने आ जाती है। जरूरत पड़ने पर ही ज़बान खोलनी चाहिए। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ। एक बार जो मैंने सोच लिया वो मैं करता हूँ। ड्रैगन भक्षक। ये काम आ सकता है। इतना सा खजाना? वहां बस यही था। वो ड्रैगन इतने से बक्से की रखवाली कर रहा था, तभी इतनी आसानी से उसकी जान चली गई। कहीं तिलिस्मी जाल तो नहीं? पीछे हटो। हाँ।
ड्रैगन का यह सींग ऐसा युग लेकर आएगा जहां सूरज की चमक की जगह चारों तरफ बस एक तिलस्मी अंधेरा ही दिखाई देगा। ये एक ऐसा योग होगा जहां कमजोर काटे जाएंगे और ताकतवर इंसानों को महान शक्तियां बख्शी जाएंगी। बस वही लोग जो डरपोक इंसान हैं, उन्हें ही इस युग से एतराज हो सकता है। इस वक्त हम कारकौत की महान वापसी का एक तिहाई हिस्सा हैं, जो पहले से ही उन नियमों ने पैदा किए जिन्होंने इस महान कायनात को जन्म दिया है। ये क्या है? ड्रैगन के कैदियों में से एक है, तीन और हैं वहाँ पे, शायद किसी नशे से इन्हें सुला दिया। वायमैक आओ मेरे साथ। वायमैक तुम मेरा हुक्म मानोगे उसका नहीं। मैंने गुलामों या इंसानी बलि की कभी कोई बात नहीं की। मुझे लगता है वो उन्हें छुड़ाना चाहता है, मतलब तुम हमारी बात सुन रहे थे। क्या मतलब? समय का महान चक्र कहता है जो भी दया की भीख मांगे उसे जिंदगी से मुक्ति दो। तुम यही चाहते हो ना कि ये नीच लोग अपनी जिंदगी के नरक से छूट जाएं? अगर हाँ तो इस महान काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो। अगर हम इन लोगों को सही सलामत गांव ले जाते हैं तो सारे के सारे गांव वाले हमें अपना मसीहा मानेंगे। जो चाहे वो मिलेगा। ये बहुत ही कमाल का ख्याल है, वो सच में पिघल जाएंगे। वायमैक, बाकी के कैदियों की भी मदद करो। इनसे बड़े प्यार से पेश आना, ये हमारे लिए बहुत कीमती हैं। सीध, दरवाजा खोलो। हमने ड्रैगन को मार दिया, हमें पानी, खाना और छत चाहिए। हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने तुम्हारे तीन नागरिकों को मौत से बचाया है। डेलगार, तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ। इन्होंने हमारी जान बचाई है। शायद ये तुम्हारा है। दरवाजा खोल दो। ड्रैगन मर चुका है। तुम्हें तो खुद पर बहुत गर्व हो रहा होगा, क्यों? एक ड्रैगन ने काम आसान कर दिया। मैंने इसे ड्रैगन की पूंछ से काटा है। तुम्हारे जैसा जाबाज योद्धा ही इसे पहनने का हक रखता है। तो फिर चलो ले लो। कभी कोई रकून पकड़ा है? नहीं। तुम एक बक्से में एक सेब रखकर उसमें एक छेद बना देते हो। एक रकून उस सेब को पकड़ता है पर हाथ बाहर नहीं खींच पाता क्योंकि छेद बहुत छोटा होता है। वो पागल जानवर तो सेब पाकर खुश हो जाता है और हाथ नहीं छोड़ता जब तक वो अपनी मौत यानी पहाड़ी से लुढ़कती चट्टान को देखता है। देर हो चुकी होती है। जाबाज योद्धा। तुम्हें क्या लगता है सीध, ये लोग अपनी
सीधी सादी जिंदगी से वाकई खुश रहते हैं? नहीं, मेरे मुताबिक इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है मेरे हाथों मौत। इनको बस तभी मुक्ति मिल सकती है। काम शुरू करो। देखो, क्या तुम ही राया दत्याना की पत्नी हो? हाँ। मुझे उनकी मौत का बहुत अफसोस है। मेरे ख्याल से वो इसे आपको ही देना चाहते होंगे। शुक्रिया। ये तो पिताजी का है। अपनी माँ का ख्याल रखो, अब तुम्हें ये घर संभालना है। आओ साथ में नाचे। यहाँ मुझे यहाँ से पकड़ो। अच्छा लग रहा है ना? चलो आज रात मेरे घर चलो। यहाँ बाकी सब लड़के बहुत ही ढीले ढाले हैं, किसान। और मैं पिताजी को क्या कहूंगा? उन्हें पता ही नहीं चलेगा। रहने दो, मैं वो नहीं जो तुम सोच रही हो। हाँ, तुम वही हो। सारा दूरी बनाए रखो। हमेशा ताकतवर बिना दया पछतावे के कमजोर का शिकार करता है। ताकतवर कमजोर। यहीं रुको। हम दर्द का रस निकालने को तैयार है लॉर्ड शैड्रैक्स। पिताजी,
तुमने मेरी जान बचाई। हमारे कबीले के कानून के मुताबिक मेरे पूरे शरीर पर अब तुम्हारा हक है। तुम जो चाहे करो। नहीं। ठीक है, हुकुम दो। उठ जाओ। अपने कपड़े पहन लो। क्या कहा तुमने? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। आखिर दिलचस्पी है, पर मुझसे दूर रहना चाहते हो। क्यों? क्या छिपा रहे हो तुम? मुझे तुम पर भरोसा नहीं। लगता है हम लोग तुम्हारे बिना ही शात्राक्स के लिए तक जाएंगे। अलविदा। नहीं, कई जाबाज हो, मुझे पसंद है। जिंदगी इसी को कहते हैं, है ना? खजाना ले लिया? हाँ, जितना भी था। हम दरवाजे पर मिलते हैं। वाइमैक, Thank you.
बंद है, वो भी बाहर से। खेल लो सबको, खेल लो, सुना नहीं। इस तरफ आओ, इस तरफ उधर से, जल्दी करो, जल्दी करो, ऊपर से भी, इस तरफ ऊपर से, ऊपर से। चार तरफ से खेल लिया, ठीक है, छोड़ना नहीं, चारों तरफ से जाने ना पाए। हर आदमी बिल्कुल शांत रहे। दरवाजा खोलो। दरवाजा? ओ, खोल देता, पर हमारे खजाने के रखवाले का गला कटा हुआ है और 6 सिपाहियों का भी। बहुत बुरा होगा अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो। उस ड्रैगन की जगह हम ले लेंगे और तुम सब मारे जाओगे, कोई एक भी नहीं बचेगा। अपने बच्चों के बारे में सोचो। तुमने हमारे लोग मारे और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हें अपना खजाना भी ले जाने दें? इसे ड्रैगन को मारने की कीमत समझ लो। तुम्हारे सामने झुकने से बेहतर है कि हम लड़ते हुए मर जाएं, लेकिन तुम भी हमारे साथ मरोगे। इस ड्रैगन को निशाना बनाओ, सबसे पहले इसे ही खत्म करो। खोलो दरवाजा, नहीं तो उस ताबीज को उड़ा दूंगी और तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। तो मैं ऊपर वाले से मिलूंगा, वो भी बिना किसी शर्म के। सिपाहियों, मेरे 5 गिनते ही, हमला कर दो। 1, 2, 3। रुक जाओ, हम आधा खजाना लौटा देंगे अगर तुम दरवाजा खोल दो तो। एक शब्द और बोला तो तुम्हारी जान ले लूंगी। कुछ भी ना मिलने से अच्छा है कम से कम आधा तो मिले। उन्होंने ड्रैगन को मारा है, उन्हें आधा खजाना दे दो। हमें और खून खराबा नहीं चाहिए। लगता है तुमने इनकी आवाज सुन ली होगी। ये तुम्हारे अपने लोग हैं। ठीक है, तो एक फैसला करते हैं। आधा खजाना लो और शांति से जाओ। क्लाथा, जो तुम सोच रहे हो। तो फिर कौन हो तुम? मदद के लिए आया हूं।
निकलने का कोई रास्ता होना ही चाहिए यहाँ, जो शायद सीधा जंगल की तरफ निकले। तुम्हारा मनपसंद जानवर कौन सा है? ज़ॉम्बीज। ज़ॉम्बीज? उनसे तो बिल्कुल नहीं मिलना। मैंने तो उसे पहले ही बताया कि ज़ॉम्बीज बुरे होते हैं, पर ये तो सुनता ही नहीं है। तुम्हारी बहन सही है, उड़ने वाला घोड़ा कैसा है? वो तो लड़कियों के लिए होता है ना। लेकिन वो मदद कर सकता है। मेरी बात सुनो, जैसे ही हम जंगल पहुंचेंगे तुम चारों तरफ नजर रखना, अगर कुछ दिखे तो मुझे बताना, ऐसा कर सकते हो ना? अकोडिया, चलो जल्दी चलें। क्या तुमने ग्रेसन को कहीं देखा? नहीं, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये जगह तबाह हो तुम जाए। तुम जाओ। वो अब तक मर चुका होगा। मैं तुम लोगों को आगे मिलती हूँ। तुम एक ऐसे लड़के के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही हो जो एक इंसान की औलाद है, ये सरासर जहालत है। अगर इस बारे में एक शब्द किसी से कहा तो तुम्हारी हड्डियां भून दूंगी। ये है असली अकोडिया। ये तुम्हारा काम है, हर चीज का हिसाब लगेगा। मुझसे कोई हिसाब मांगने का हक मैंने किसी को भी नहीं दिया। अजीब है हम लोग जो ऐसे किसी को मानते हैं जो परवाह ही नहीं करता है इंसान की और उसके जज्बातों की। शुक्रिया पेलोर मुझे यकीन दिलाने का। खजाना बांटने का वक्त आ गया। सब मिला के 60,000 का सोना और मोती, करीब 12,000 हर एक का, इनाम से भी ज्यादा। मेरे लिए काफी माल है। ग्रेसन, ये तुम्हारे लिए है। गांव जाना तुम्हारा ही फैसला था ना, इसलिए। ले लो, पकड़ के देखो कैसा महसूस होता है। और शैथ्रैक्स के लिए क्या? मैं ये सिंह सीत को बेच रही हूं उसके खजाने के हिस्से की जगह। तुम चाहो तो उसके साथ आगे बढ़ते रहो। हमारे यहां खून चखने की रस्म है, उसके बाद मेरे गुलाम बन सकते हो, या चाहो तो मेरे साथ मेरे शहर में चल सकते हो। हम वहां सबको अपना गुलाम बनाएंगे। अय्याशी, लड़ाई, मस्ती तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा। बाकी खजाना सुबह बांटेंगे। तुम्हें अभी फैसला नहीं करना है, मैं मनाऊंगी तुम्हें। मुझे छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ बेटे।
तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। तुम्हारे पास सोना है, एक लड़की भी है, ग्रेसन। जैसे जिंदगी जोखिम में डालते हो वैसे उसका मजा उड़ाना सीखो। तुम अपना हिस्सा किस पे खर्च करोगे? जब मैं एक बच्चा था, हमारे गांव में एक तूफान आया था, मेरा परिवार मारा गया, मुझे भी चोट लगी थी। गांव के मुखिया ने मुझे निकाल दिया। उसने कहा कि मेरा परिवार कमजोर था। तभी से मैं सिर्फ एक ही सपना देखता आ रहा हूं, उनकी खोपड़ियों को आग में भूनते हुए। इसीलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसीलिए कि वो सही थे। जो लोग हमेशा अपनी कमजोरियों में डूबे रहते हैं वो अक्सर चोट खाते हैं। हमेशा से ऐसा ही है ना ग्रेसन, शेर भी एक दूसरे का शिकार करते हैं। पहले से भी कई ज्यादा खौफनाक और तबाही मचाने वाला तूफान अब उस गांव में आएगा। मैं अपने परिवार का बदला लूंगा, उन सबको मारकर जिन्हें वो याद है। फिर अपने इस सोने से मैं एक बिल्कुल नया गांव बसाऊंगा। अच्छा ख्याल है। मुखिया वाईमैक के नाम। मुखिया वाईमैक के नाम। जहरीली बूटी, हथियारे। एक 7 फुट का दानव 60,000 का सोना लेकर गायब हो जाता है और किसी को कुछ पता तक नहीं है। नामो निशान नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास वो सींग अब भी है, क्यों ना हम काम पूरा करें और बस यहाँ से शैत्रैक्स के पास चले अपना इनाम लेने। शैत्रैक्स? मैं थक गई हूँ उसका नाम तुमसे सुनते सुनते। क्यों उससे मिलने को इतना तड़प रहे हो तुम? तुम्हारे लिए तो ये सब सही हो रहा है ना? वो सींग मेरा है, हमने सौदा किया था। सौदा? खजाने का अपना हिस्सा मुझे दे दो और ये सींग रख लो। और अगर खजाना नहीं तो सौदा भी नहीं। सींग मुझे दे दो, अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे सामने झुकना होगा और दोस्ती की रस्म निभानी होगी। ऐसा नहीं किया तो इसे मार दूंगा। तुम मार दो, मैं कभी नहीं झुकने वाली। जैसी तुम्हारी मर्जी। मजाक कर रहा था, मैं उसे मार नहीं रहा था। उससे कहो कि मुझे ठीक कर दे, वो तुम्हारी बात सुनेगी। माफ कर दो, माफ कर दो। आ, 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 आ,
माफी। नहीं, तो अब वही होगा जो सोचा था। हम काम पूरा करेंगे और जाकर शैतराग से मिलेंगे। ये लिखावट एकदम साफ है। गहरे काले अंधेरे में ही तुम्हें आत्मा दिखेगी। नगरूल, आखिर ये क्या हो रहा है? एक अधमरी बच्ची जिसे जिंदगी में मां बाप ने धोखा दिया। मां, भूख लगी है। भूख लगी है। ये खाती क्या है? वो बुरी चीजें जिनसे ये पैदा हुई। नफरत, डर, प्यार और दया इसके लिए जानलेवा जहर है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। हमें साबित करना होगा हमारे दिल कितने गंदे हैं। बेस, पहले तुम। खुश हो जाओ बच्चे। कितनी प्यारी है ना। बहुत हो गया बेज, बस करो। ग्रेसन, जाओ। ग्रेसन, जल्दी करो या फिर मैं खुद तुम्हारा हाथ काट के उसे दे दूंगी। किसने प्यार है?
तुम्हें चोट लग गई मेरी वजह से। पर ज्यादा गहरी नहीं है। जल्द हमारे पास है। हाँ हम तैयार हैं। हाँ लॉर्ड शात्राक्स, काम हो गया है। और ये ग्रेसन है। तुमने जो किया है उससे कार्बोध हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारे काम याद रखे जाएंगे। तुम्हारा नाम तब तक रहेगा जब तक ये जमीन रहेगी जहाँ बुराई राज करेगी और अच्छाई मारी जाएगी। हमारे शहर में स्वागत है। अपने पूरे से पूरे राज का मजा लो बिना डर सजा या फैसले के। आज राज किताब को जोड़ा जाएगा। पिताजी, 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 आप ठीक हैं? पिताजी, पिताजी, सुनिए, पिताजी। जी मैं आ गया तू आ गया बेटा।
क्या बेटा? मैं यहाँ कैदी को देखने आई थी और ये बागी तुम्हें अपना बेटा कह रहा है? ग्रेसन, ये नीच जाति की लड़की आखिर तुझे कैसे जानती है? जो मैं जानती हूँ उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे बुढ़े। अकॉर्डिया, मैं सब बताता हूँ। ये तुमने क्या कर डाला? मेरा भाग बेटा कहाँ चला गया? बातों का वक्त नहीं है, हमें जाना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि यहाँ हो क्या रहा है। मैंने हर कसम तोड़ दी पिताजी, मैंने हत्या की और दुश्मन को माफ भी नहीं किया। मैंने खौफ देखा है पिताजी, और इसके बाद अगर यहां से मुझे आपको खींच के भी ले जाना पड़ा तो मैं ले जाऊंगा। फिर चाहे आप जो भी सजा दें, मैं आपको बचा कर ही रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर इसलिए नहीं कि तुम मुझे गुलामों की तरह हुक्म दे रहे हो। खिड़की खोलिए, वहीं से बाहर जाना है। तुम्हें मुझे खत्म करना ही होगा। शायद ट्रैक्स बरसों पुरानी गंदे अंधेरे की किताब को जोड़ रहा है, उसने सारे पन्ने ढूंढ लिए हैं और वो मेरे शरीर से दर्द का रस निकालकर उसकी स्याही बनाएगा। एक बार उन्हें किताब की जिल्द मिल गई तो उन्हें जिल्द मिल गई? मिल गई है ग्रेसन, आपकी जान बचाने का बस यही रास्ता था मेरे पास। मुझे बचाने किस कीमत पर? तुमने कहा कि तुमने पाप किए हैं, बुरे से बुरे पाप किए हैं, तो तुम्हें ये करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उम्मीद का दिया तो जलाए रखना है। वो दिया तो तुम में बुझ गया है ग्रेसन। उस दर्द का तो सोचो, मेरे लिए, कारकाउट के हर आदमी के लिए। देखो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मुझे खुद ये करना होगा अपने हाथों से। मुझे मारो, मारो मुझे ग्रेसन, इससे पहले कि देर हो जाए। मैंने हर बुरा काम किया ताकि अच्छा ही जीत जाए, और आज मुझे वक्त इस मोड़ पे ले आया है कि मुझे उसे मारना होगा जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। क्या मैं जानवर बन गया? उनसे भी बुरा जो दरवाजे के बाहर खड़े हैं। नहीं पिताजी, मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं इनको मारूंगा। हम लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे। अगर हम पकड़े भी गए और वो किताब बन भी गई, तब भी जब तक रोशनी का एक दिया जलता रहेगा वो जीत नहीं पाएंगे। आ जाओ अंदर, अगर हिम्मत है तो। मैं हूं ग्रेसन इज़राइल, ड्रैगन भक्षक और एक सच्चा योद्धा। देखा, पिता,
पिताजी। तावीज में कोई ताकत नहीं होती, उसे पहनने वाले आदमी में ताकत होती है। तुम्हारा बेटा तुमसे 100 गुना ज्यादा काबिल है। मैंने तुम्हें समझाया था पर तुम नहीं माने। मेरा तरीका है इस दुनिया को बचाने का अकेला तरीका है। मैं कहीं ज्यादा अच्छा पिता होता इस बेवकूफ आदमी के। इसे जल्दी तैयार करो। शुरू से ही तुम्हें इसी की तलाश थी। 800 सालों में नए सूरज का पहला सच्चा योद्धा, इसके दर्द के रस से गंदे अंधेरे की नई किताब लिखी जाएगी। तुमने शुरू से मुझे इस्तेमाल किया, झूठे, मेरी जिंदगी जोखिम में डाली सिर्फ इसके लिए। सही कहा। इतना काफी नहीं। अब जो सजा इस लड़के को मिलने वाली है उससे दर्दनाक और भयानक कुछ भी नहीं हो सकता है। रात हम अंधेरे के युग में जाएंगे, पर जिसे लोग अंधेरा कहते हैं मैं उसे ताकतवरों का राज कहता हूँ। आज धरती लाल हो जाएगी उनके खून से जो कमजोर और लाचार है। तुम्हारा अंत निश्चित है, चाहे 1000 साल ही क्यों न लग जाए, नया सूरज जरूर चमकेगा। अजीत है, तुम अब भी नहीं मानते कि तुम्हारे सारे रास्ते मुझ तक ही आते हैं। दर्द का रस जल्दी निकालो इससे पहले कि वो इसके दिल की तरह पाक हो जाए। और अब अंधेरा गहरा होगा। Ugh!
जी। मुझे गर्व है। मेरे साथ मेरे शहर चलो ग्रेसन, हम शहर वालों को शैथ्रैक्स को हराने की कहानी बताएंगे, फिर वो हमारी बहुत इज्जत करेंगे। और फिर क्या? फिर क्या, एक आरामदायक जिंदगी। ये नहीं कर सकता, मुझे एक नए सूरज के योद्धा की जिम्मेदारी निभानी है। तुम अब भी ना समझो। हो सकता है। This movie uncoded by 1987. और अगर दोबारा मुलाकात हुई तो क्या मेरी जान लोगे? खुद को बचाने के लिए। मैं तो ये वादा भी नहीं कर सकती। अलविदा।